Well, good afternoon, everybody. It's my pleasure because the Junagadh Agricultural University given me an opportunity to speak up for the food processing. Basically, I just introduce myself. जो काफी सारे हमारे साथ जुड़े हुए वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए हैं, नए स्टूडेंट्स जो है, कोई नए एंटरप्रेन्योर है जो मेरे कंपनी के बारे में नहीं जानता, तो मैं थोड़ा बता दूं, हाईलाइट कर दूं कि बेसिकली आई एम फ्रॉम द जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. एट दैट टाइम द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज द गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. तो ज्यादातर मेरे सामने जो बैठे हुए है वो मेरे प्रोफेसर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और काफी सारे मेरे कलीग्स है. तो जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कोई बात आती है तो एक अंदर से आनंद होता है कि उसके साथ कैसे जुड़े, उसके साथ कैसे वार्तालाप करें. ज्यादातर बिजी शेड्यूल में टाइम तो नहीं मिलता है, तो जैसे ही चौड़िया साहब का इन्विटेशन मिला तो तुरंत ही ये अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रास्प कर लिया. और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 1996 एंड एमटेक इन 1999. देन आफ्टर मेरा एमटेक है स्पेशलाइज एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग. अभी हमारा नवसारी में एक यूनिट है जिसके अंदर हम मैंगो फल, पिकल, चटनी, जाम ये सब बनाते हैं. और अनदर यूनिट इज लोकेटेड एट द चिखली विच इज इन द नवसारी डिस्ट्रिक्ट एंड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नवसारी. बोथ यूनिट्स आर लोकेटेड ऑन द नेशनल हाईवे नंबर 8. और दूसरा जो हमारा यूनिट है वहाँ पे हम फ्रोजन फूड्स बनाते हैं, टोमेटो कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं. जो हमारा बर्निंग इश्यूज है अभी, जो टॉप हमारे प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम है कि जो हाईली पेरिसेबल कॉमोडिटी है टोमेटो, ऑनियन एंड पोटेटो, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे जो प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तो उसको कैसे स्टेबिलाइज किया जाए. तो ज्यादातर हमारा मेन फोकस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के ऊपर. तो सर आज जो आफ्टर कोविड, जो कोविड के दरमियान जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो इम्पैक्ट हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा चैलेंजेस के बारे में बताना चाहता हूँ. दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द पीक सीजन राइट नाउ एंड वी आर प्रोसेसिंग द मैंगो इन अवर बोथ द यूनिट्स. एवरी डे वी आर प्रोसेसिंग 120 मेट्रिक टन ऑफ द मैंगो. तो सबसे बड़ा जो अभी चैलेंजेस है वो लेबर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री आर द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो और ज्यादातर जो लेबर आते थे वो आउटसाइड यूपी से आते थे, बिहार से आते थे, नॉर्थ ईस्ट में से आते थे. दोनों था, जिसमें स्किल सेमी स्किल लेबर भी था और अनस्किल लेबर भी था. तो अभी सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि जो लेबर नहीं होने की वजह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सब लोगों ने अपना जो टारगेट है वो 10% से लेकर 25% तक का अचीव कर पाएगा इस ईयर. दिस इज द मेजर इश्यू ऑफ द लेबर. सेकंड, आई जस्ट वांट टू शेयर द माय पीपीटी. This is the manpower is the major challenge. Then dealing of the supply chain and logistics. ज्यादातर ये जो भी dealing हो गया supply chain में, from हम harvesting से लेके up to the supermarket या तो consumer तक की जो supply chain है वो पूरी disturb हो गई है. तो this is the another big challenges for the processed fruits and vegetable industries. Third one is the dealing of the associated industry. जो ज्यादातर गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटी सेक्टर होके मैंगो इंडस्ट्री या तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्रीज को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, शुरू तो करने दिया, लेकिन इसकी वजह से इसके 411 जो इंडस्ट्रीज है, इसके रिलेवेंट इंडस्ट्रीज जो है पैकेजिंग मटेरियल के सप्लायर्स है, कोई लेबल का सप्लायर्स है, कोई अदर जो केमिकल का सप्लायर है, जो फूड एडिटिव्स का सप्लायर है, वहाँ पर ज्यादा दिक्कत हुई. तो वो इंडस्ट्री जो चालू नहीं है तो ये डीलिंक हो गया. फोर्थ वन चैलेंज इज द लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का ऑब्सोलेंस एंड मार्केट. ज्यादातर सब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइज नहीं होती है, उसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता है और मार्केटिंग में भी काफ़ी दिक्कत आती है. ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी चैलेंजेस है. इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है, अभी एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया. समझो कि आज ये कोविड आने की वजह से लॉकडाउन तो हुआ लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बंद नहीं किया. वो एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ लेकिन इसके रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है, हम सब जानते हैं कि ज्यादातर एक्सपोर्ट में प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
उसमें ज्यादातर समझो कि कोई हम एक कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस आर इन्वॉल्व, तो ड्यू टू द लॉकडाउन ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद रहती है। जो काम हमारा एक दिन में होने वाला होता है वो चार चार दिन, पांच पांच दिन, एक हफ्ता हो जाता है, और अंत में रिजल्ट ये आता है कि जब कंटेनर विल रीच एट द डेस्टिनेशन एट दैट टाइम द ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर विल नॉट बी कंप्लीटेड। ये सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि जो प्रोसीजर है उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, उसकी वजह से ये सबसे बड़ी चुनौती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को थोड़ा ऐसे सिस्टमाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो उसकी ऑनलाइन सिस्टम बनाए या तो मिनिमम गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़े, ऐसी कोई सिस्टम बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर हम चैम्बर में लेने जाते हैं या तो इस एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी में कोई हेल्थ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, तो ज़्यादातर ऑफिस में पूरा स्टाफ भी नहीं रहता और टाइम ज़्यादा लगता है, और ये सब पेपर तैयार करते उसी टाइम कंटेनर डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, वहां पे डैमेज शुरू हो जाता है, पेनल्टी शुरू हो जाता है। वन अनदर बिग चैलेंजेस इज द हाई फ्लक्चुएशन इन द रॉ मटेरियल क्वालिटी एंड मार्केट प्राइस। अभी सर ने जो पाठक सर आपने बताया कि हाईली पेरिशेबल कॉमोडिटीज है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, टोमेटो जब मार्केट में सरप्लस आ जाता है तो फार्मर्स आर थ्रोइंग द टोमेटो एट द फार्म साइड, और जब प्राइस इतना हाई हो जाता है कि 100 रुपीज पर किलोग्राम टोमेटो नहीं मिलता। सिमिलरली टोमेटो पोटेटो एंड ऑनियन सेम सिचुएशन इज देयर, और ये कोविड की वजह से जो डीलिंक हुआ है ये सबसे बड़ी चुनौती है। फोर्थ वन इज, सिक्स्थ वन इज द वेरी ओल्ड लेबर लॉ। आज जो लेबर लॉ है वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ज्यादातर ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या अनऑर्गेनाइज और स्मॉल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई के हाथ में है, उसमें ज्यादातर 42% जो है वो अनऑर्गेनाइज है, 33% है वो एमएसएमई है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिक्लेयर किया कि जब लॉकडाउन हुआ तो लेबर को और एम्प्लॉय को पूरा सैलरी देना पड़ेगा। इसमें ज्यादातर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अनऑर्गेनाइज है वो लोग ऐसा करते हैं, उसने टेम्पररी बंद कर दिया अपना काम धंधा, उसका या तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना फॉलो नहीं करते। जो ज्यादातर जो प्रॉब्लम आया वो एमएसएमई को आया, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो, और हमारा इकोनॉमी का जो बैकबोन है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और सबसे ज्यादा उसके जो बिजनेस में रुकावट आई है। लास्ट वन इज द पुअर फार्मर पैके प्रोसेसर लिंकेजेस। हमारे इंडिया में अभी भी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्रीज है उसका फार्मर से लेके प्रोसेसिंग या तो फार्मर से लेके कंज्यूमर का लिंकेजेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मिल्क इंडस्ट्रीज में। समझो कि मिल्क में आज छोटा सा छोटा गांव ले रहे, वहां से मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है, वहां से मिल्क कलेक्ट होते विद इन 12 आवर्स या तो 24 आवर्स में कोई भी नियरेस्ट प्रोसेसिंग डेयरी में मिल्क चला जाता है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से काफ़ी हैंडलिंग करना मुश्किल है, हाईली पेरिसेबल है, उनके बावजूद भी वहाँ पे लिंकेजेस हुआ है, लेकिन ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ये इतना लिंकेज नहीं हुआ है। इसके बाद की मैं आपको एक स्लाइड बताऊंगा जिसके अंदर काफ़ी जो फार्म गेट से लेके कंज्यूमर को जितना डिफरेंस हो रहा है, जितना पे ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो यूज वेस्टेजेस है अक्रॉस द सप्लाई चेन फ्रॉम द फील्ड लॉसेस, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, मार्केटिंग, दिस अनदर चैलेंज लॉसेस, ग्रेन 8-10% पेरिसेबल, दैट मीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 20-40%, जिसमें हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल, देन फॉलोड बाय द गुजरात, बिहार, यूपी। दीज आर द चैलेंजेस प्रेजेंटली। वी आर प्रोसेसिंग द ड्यूरेबल्स 98%, ऑयल एंड ऑयल सीड्स 85%, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली 4%, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और अपॉर्चुनिटी भी है इसमें आगे बढ़ने। दिस इज वन अनदर चैलेंजेस। सब जानते हैं कि ज़्यादातर एडवांस कंट्रीज में कितना प्रोसेसिंग होता है और हमारे इंडिया में less than 2% जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है। ये सेक्टर वाइज मैंने जो डेटा दिया है इसमें डेयरी 35% से एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओनली 2.5%।
जो ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि आई रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी गुड स्लाइड. जब फार्म लेवल पे फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट इज द 3.3 यूनिट एंड फाइनली इट गोज टू 11, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हायर इन केस ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की कोई फार्म गेट पे प्राइस है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कंज्यूमर या तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में 3.5 टाइम्स बढ़ जाता है, जो चीज मिल्क इंडस्ट्रीज में 1.6 टाइम्स है, फिश इंडस्ट्रीज में 2.2 टाइम्स है. तो उसकी वजह से जो ये मिडल मैन है, या तो ऐसा कुछ जो सिस्टम बनाया जाए कि जो फार्म से लेके सीधा प्रोसेसर या तो फार्म से लेके कंज्यूमर, ऐसी जो कोई लिंक बनाया जाए जैसे मिल्क इंडस्ट्रीज में और फिश इंडस्ट्रीज में है, तो मेरे हिसाब से ये कॉस्ट कम होएगा और इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा मिल सकता है. दिस इज अवर लेकुना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लेवल, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस अभी जो डिस्टर्ब हो चुका है, लॉजिस्टिक भी काफी अभी डैमेज हुआ है ड्यू टू द कोविड, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिसिंग. जो भी मैंने बताया कि ज्यादातर इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो प्रोफाइल है वो अनऑर्गेनाइज के पास 42% और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसके पास 33% है, जो एमएसएमई सेगमेंट के पास 25% है. वो अगर जो ये एमएसएमई बैकबोन होने बैकबोन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी का बहुत बैकबोन है, तो भी इसके ऊपर काफी अभी बर्डन हो रहा है ड्यू टू द गवर्नमेंट लॉज एज वेल एज सो मेनी पैरामीटर्स. नाउ वी कम फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी. दिस इज अवर जर्नी फ्रॉम स्केयरसिटी टू सरप्लस. हम सब जानते हैं कि ये हमारा रिवॉल्यूशन हुआ, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, देन व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, एंड नाउ वी आर सरप्लस आफ्टर सिंस 2010. एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज देयर. मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ कि जो ग्रोइंग सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्री इज द ग्रोइंग सेक्टर. एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 18-19 इज 7.8%. एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट इज द 15%. ज्यादातर बहुत कम इंडस्ट्रीज होगा जिसका एक्सपोर्ट रेट इतना ज्यादा ग्रोथ रेट हो सकता है. फिक्स कैपिटल रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज 1.91 लाख करोड़. दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सो दैट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर. आई थिंक द फूड प्रोसेसिंग इज द बिगेस्ट मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री. अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये इंडस्ट्री में काफी अपॉर्चुनिटीज है. गवर्नमेंट ने भी काफी एफर्ट्स लगाए और पॉलिसी में काफी लिबरल करके और उसको मॉडिफाई करके काफी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ाया. लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन बेस, प्रोसेसिंग स्टील एट 10%, सो दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. ह्यूज अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू फॉक, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन एंटायर चेन. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट बट इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. ग्रोइंग मार्केट भी है इसमें. समझो कि आज का जो यंगस्टर है, आज का जो टीनेजर्स है, वो ज्यादातर इसमें बिलीव करता है. और रिटेल सेगमेंट की एस्टिमेट है $1,000 billion इन 2022, एंड द ग्रोथ रेट इज 7.5 ग्रोथ रेट. द ई कॉमर्स सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू $120 billion इन 2022. So huge opportunity in this segment. Offer for the largest diversified production base. As you all of us know that we are the biggest in the production in the milk, second largest in the fruits and vegetables, cereals and all these. Our proactive policy support is there. FDI reform is there. Foreign direct investment, regulatory regime, harmonization with the international standard. Attractive investment policy across the state as well as the सेंट्रल गवर्नमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म लाए हैं जो बिजनेस को ईज करें, लेकिन अभी भी काफी चुनौती है, काफी स्कोप है इसमें कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी स्कीम्स लाए हैं, इंसेंटिव दिया है. उसने जो पार्क बनाया है, मेगा फूड पार्क है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट बनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड द फूड प्रोसेसिंग एंड वेस्टेजेस. इसके वाला फिस्कल इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है,
जिसमें इनकम टैक्स डिडक्शन है, टैक्स एग्जेम्पशन है इन कस्टम ड्यूटी, टैक्स एग्जेम्पशन इन द जीएसटी ऑल्सो। इसके अलावा सम ऑफ आवर सेलियंट फीचर्स आर देयर, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सो देयर ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन एज वेल, एंड वन थर्ड प्रोड्यूस सोल्ड इज द क्वालिटी प्रोड्यूस, क्योंकि आज के जमाने में जो नया जनरेशन आता है, एजुकेशन का लेवल अप हुआ है, न्यू जनरेशन आया है, तो दे प्रीफर द क्वालिटी एंड प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अबाउट 2.5% प्रोड्यूस गो टू द प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इज द 7%। इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी गुड यूज मार्केट इज ऑल्सो देयर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द 5th रैंक, कंस्टिट्यूट्स इंडस्ट्रियल लेबर, लेबर में काफ़ी एक बड़ा रोल है उसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गिव द 14% आउटपुट विद द टोटल इन्वेस्टमेंट। This is our some of the global overviews. We are the leader in the milk as well as the fruits and vegetables. We produce the 58% of the mango production. So world's total production out of this 58% is produced in the India. Gujarat produces the 4%, and India's mango production is contributes 21% in the export market. India produces the 12.5% of the world's vegetable production. Gujarat produces the 6% India's vegetable productions, but contribute only 8.6% India's export. Huge opportunity there. Government of India ने काफी सारे incentive भी दिया है, agro export zone for the mango and vegetable in the central and south Gujarat, value added onion and sesame seeds in the Saurashtra, काफी agro export zone भी declare किया है। इसके अलावा हमारे गुजरात की बात करें तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गुजरात, वी आर द नंबर वन इन द क्यूमिन, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री, फेनल 90% ऑफ द प्रोडक्शन इन गुजरात, इसबगुल वी हैव द मोनोपोली इन द प्रोसेसिंग एज वेल एज द हाई मेडिकल वैल्यू, डेट वी हैव द मोनोपोली इन द कंट्री, अवर केसर मैंगो इज द गेट गॉट जीआई नंबर, geographical identification number. Valsadi Chiku is the famous in the South Gujarat, and very good demand in the fresh fruits. This is the one of our very good productivity as well as the production data. Gujarat is relatively smaller player in the Indian horticulture, but our productivity is very high. For example, in fruits, our area is we are the 9th rank, but the production we are the 4th. So that the productivity is very high. Similarly, in the vegetables, our rank is the 11th in case of the area, but the production is the 5th rank. So that productivity is very high. This is another productivity, but the production graphical presentation is there. We are the highest productivity in the fennel, cumin, followed by the groundnut, castor, sapota, mango, guava. So Gujarat is the leader in the productivity as well as the production in the some of the agricultural commodities. This is the processing, food processing sector and opportunity in Gujarat. Most of the grain processing, consumer food product, meat processing, cheese processing, edible oil and fat processing, sugar and sugar, milk processing, fruits and vegetables. This is the food processing technology. It's a modernized value chain. From input from farm to fork. Now, basically, we are in the export business, so there's the huge opportunity in international market, because the worldwide the food consumption pattern is changing day by day. So India is follow the continue to the type of the foods. पहले के जमाने में थे कि जो agriculture commodity direct farmers के पास से लेके सीधा export हो रहा था. आज इसमें value addition का काफी scope है और कंज्यूमर की जो ईटिंग हैबिट है वो चेंज हुई. कंज्यूमर्स आर प्रीफरिंग द मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कंज्यूमर्स आर प्रीफर द मोर पल्सेस एंड फाइबर व्हिच इज द न्यूट्रिटिव एज वेल एज द डाइजेस्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डाइजेस्टिव फूड्स. पीपल्स आर प्रीफर द मोर मिल्क एंड मीट, लेस सीरियल्स. जो ज्यादातर लोग बोलते थे पहले कि फैट कम खाना है,
सोल्ट और शुगर कम लेना है। आज लोग बोल रहे कि कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड है, लो कैलोरी वाले फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी जगह पे प्रोटीन या तो न्यूट्रिटिव है, इजीली डाइजेस्टिबल है, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। काउंटेड कैलरीज, रिच इन न्यूट्रिशन, अट्रैक्टिव पैकिंग, कॉम्पिटिटिव इन कॉस्ट। तो एग्रीकल्चर के साथ ये डायरेक्ट इंटर रिलेवेंट है कि ये इंडस्ट्रीज में अगर कोई वैल्यू एडिशन या तो कोई स्मार्ट प्रोसेसिंग करे, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा पीपल पसंद करते हैं वो है कन्वीनियंस फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड, उसका आज काफ़ी मार्केट बढ़ रहा है। सर मुझे कहते हुए आनंद होता है कि वी आर इन द रेडी टू ईट एज वेल एज रेडी टू कुक फूड। दिस ईयर मैंगो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो काफ़ी चैलेंजेस आया, इसमें मैंने बताया कि लेबर से लेके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबिलिटी का ये सब जो इश्यूज था, ये होने के बावजूद भी दिस ईयर वी हैव टारगेटेड 3,300 मेट्रिक टन ऑफ द मैंगो वी विल प्रोसेस। ज़्यादातर लास्ट ईयर की कंपेरिजन में वी कैन अचीव द 90% ऑफ अवर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जो दिस ईयर काफ़ी चैलेंजेस लेबर की थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की थी, पैकेजिंग मटेरियल की थी, लॉजिस्टिक की थी, इसके अलावा भी ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। वो इसीलिए है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में ये जो कन्वीनियंस फूड है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी पाठक साहब ने एक पॉइंट और बताया कि जो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर काफ़ी डिमांड है। सर मैं आपको ये बताऊँ कि अभी हम एक नेचुरल जेगरी एक्सपोर्ट करते हैं, वी आर प्रोसेसिंग द नेचुरल जेगरी फ्रॉम अवर न्यू यूनिट ग्रीन फाइबर फूड्स इंडिया प्राइवेट। सिंस लास्ट थ्री ईयर वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द नेचुरल जेगरी। और ज़्यादातर हमारे जो नेचुरल जेगरी है वी आर एक्सपोर्टिंग इन यूएसए, कैनेडा, यूरोपियन कंट्रीज एंड फार ईस्ट कंट्रीज। जो लोग आज शुगर की जगह पे नेचुरल जेगरी ज़्यादा पसंद करते हैं। होने की वजह से पीपल्स आर प्रिफरिंग द इंस्टेंट फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड, नॉट ओनली इन द इंटरनेशनल मार्केट बट द सेम ट्रेंड इज कम टू द इंडियन एंड डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। कंस्ट्रेंट इन द टाइम, अस किसी के पास टाइम नहीं है, big opportunity for the processed fruits and vegetables. Emergence of the convenience food, जो मैंने बताया कि जो फूड को आज कन्वीनियंस फूड का जमाना आया, जो हम हाइक में या तो जो कोई ट्रैवल करते हैं बाई ट्रेन, जिसके अंदर सीधा हॉट वाटर डाला और प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, और वो भी ऐसा है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कि मोस्ट ऑफ जो माइग्रेटेड है इंडिया से, उसको अगर इंडिया का टेस्ट चाहिए, इंडिया का जो उसकी कल्चरल ईटिंग हैबिट है वही करना है, तो वो ये कन्वीनियंस फूड में एक पॉसिबिलिटीज है और यूज अपॉर्चुनिटीज है। स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम, ये भी आज के एक यंगस्टर का एक फैशन बन गया है। चेंजिंग ऑफ द लाइफ स्टाइल, वैल्यू ऑफ टाइम, एंटरप्रेन्योरिंग एंटरप्राइजिंग नेचर, जो आज ज़्यादातर लोग नए नए स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है, उसकी वजह से भी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप बात करें फूड इरेडिएशन, मुझे कहते हुए खुशी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पहला इनिशिएटिव लिया कि पहला इरेडिएशन प्लांट गुजरात में दो जगह पे लगाया गया, अहमदाबाद और एक भावड़ा सौराष्ट्र में। तो वहाँ पे जो कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो इरेडिएशन ट्रीटमेंट दे के सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्मॉल स्टार्टअप है, उसको इन्वेस्टमेंट का इतना नहीं है कैपेसिटी, तो वो गवर्नमेंट का ये जो चार्जेस होता है वो पे करके अपना इरिगेशन ट्रीटमेंट देके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन इमल्सिफिकेशन, दिस आर द टेक्नोलॉजी फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, एक्टिव पैकेजिंग, अल्ट्रासाउंड मेथड, ओहमिक हीटिंग ऑफ द फूड, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ट्रीटमेंट ऑफ फूड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जो भी हमने बताया कि नाउ अवर कंज्यूमर बिकम द वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड वेरी
तो यंगस्टर है वो ज्यादातर फूड हैबिट है वो बहुत हो गई है, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो FSSAI के रूल्स में जो लगाया है कि उस लेबल के ऊपर भी मार्किंग कर दिया है, जो ग्रीन लेबल है तो उसको ईट प्लांटिंग, जो रेड लेबल है तो ईट वेरी ऑफनली या तो स्ट्रिक्टली, जो नहीं खाने का बोलता है सोल्टी है या तो शुगर है, तो ये भी एक गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म लाए हैं। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी अवर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। रज भाई जल्दी करो भाई। हाँ दिस जस्ट एंड ओके, सो दीज आर द अपॉर्चुनिटी एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड मुझे कहते हुए खुशी होता है कि दिस ईयर वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो गवर्नमेंट की इतनी इंसेंटिव और ये सब स्कीम्स है उसका भी काफ़ी हमने एडवांटेज लिया है और यूज अपॉर्चुनिटी इन द लाइन ऑफ द बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।